नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर धुएं की चपेट में है, यानी अगर आप दिल्ली में हैं और सांस ले रहे हैं तो आप अपने फेफड़ों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर आए दिन दिल्ली सरकार पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करती है। जहां मनोज तिवारी दिल्ली की सड़कों पर मास्क बांटते दिखाई देते हैं, वहीं दिल्ली सरकार अपने द्वारा किए गए समस्याओं के समाधान के लिए प्रचार प्रसार करती नजर आती है। बावजूद इसके दिल्ली की स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिनों दिन प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के लिहाज से आपातकाल की घोषणा करने की बात की गई है, लेकिन क्या महज आपातकाल की घोषणा कर देने से, दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद कर देने से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है? क्या राजनेताओं को बजाय आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करने के समस्या का समाधान नहीं ढूंढना चाहिए? अगर सरकार जिम्मेवारी समझे तो ये खतरनाक नौबत नहीं आए। फैक्ट्रियां हैं, दूसरे प्रदूषण फैलाने वाले स्रोत हैं, कहीं तो लगाम लगे, कहीं तो उनको रोका जाए। जब कुछ करेंगे नहीं तो प्रदूषण तो फैलेगा। अब खुले में सरेआम कूड़े जलाए जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। निगरानी टीम होती है, ये किस लिए है? ये प्रदूषण को रोकने के लिए है, लेकिन वो अपने एजेंसियां अपना पूरा काम सही ढंग से नहीं कर रही। ताला लगा के फैक्ट्रियों के अंदर काम हो रहा है, बाहर से ताला लगा दिया, रात को हो रहा है, प्रदूषण चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं। कहाँ गए गवर्नमेंट के, दिल्ली सरकार के वे हेल्थ इंस्पेक्टर, वे लेबर इंस्पेक्टर, वो फैक्ट्रियों को चेक करने वाले इंस्पेक्टर कहाँ गए सब? क्या किसी की जिम्मेवारी नहीं है? अगर वे रोकें तो क्या इतना पोल्यूशन बढ़ेगा? पोल्यूशन रात को ज़्यादा बढ़ता है। बवाना में एक फैक्ट्री में ताला लगा के अंदर पटाखों का काम हो रहा, उसमें आग लग गई, 17 आदमी जल के मर गए, कितनी दर्दनाक घटना थी। चोरी छिपे ताला लगा किस तरह के काम होते हैं, तो जो इस तरह से काम होते हैं चोरी छुपे और वे प्रदूषण फैलाते हैं, तो उनको रोकने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। सरकार ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी करे, नहीं, जनता की हर तरह की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है।